फिर से स्वागत है सीके रियाजपुर चैनल में। आप लोग सब अच्छे हैं। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट गनाश की रेसिपी। जो चॉकलेट गनाश आपको परफेक्ट बनेगा और आप इजीली आप केक के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ली हूँ छोटा अमूल का फ्रेश क्रीम जो 250 ml का है। यहाँ पे सेम क्वांटिटी में चॉकलेट भी डार्क कंपाउंड भी मैं लूँगी। यहाँ पे मैं पहले मीडियम फ्लेम में क्रीम को अच्छे से उबाल रही हूँ। देखिए ये बॉयल हो गया है और इसमें स्टीम आ रहा है। फिर इसमें हम गैस को ऑफ कर देंगे, फिर बाद में हम चॉकलेट को डालेंगे। चॉकलेट को ऐसे ही मिला के 10 मिनट के लिए ढक के साइड में रख दूंगी। दस मिनट के बाद इसको अच्छे से मिला के छाननी में छान लूँगी। क्यों छाननी में छानने से क्या होता है, इसमें जो बचा हुआ गुटली है, बबल्स है और इसमें जो शाइनिंग नहीं, अभी देखिए शाइनिंग नहीं है इतना, जितना भी कीजिए, इसमें छानने से एक शाइनिंग आता है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। देखिए मैं अभी छान रही हूँ। ये यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा है इसीलिए ये जम गया है। देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, इसीलिए इसमें छानने में दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं दोबारा इसको फिर से गर्म कर लूँगी। इसे गाढ़ा होने से ना छानने में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए तुरंत छान लीजिए। देखिए मैं गर्म करके फिर से छान रही हूँ इसको, अच्छे से निकल गया है। इसको यूज़ करने के लिए आप इसको आधे घंटा बाहर में छोड़ दीजिए, ठंडे मौसम है तो, और गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में एक घंटा रख दीजिए, फिर आपका चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। देखिए कितना साइन दे रहा है ना। चलिए मैं इसको केक के ऊपर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं चॉकलेट गनाश को देखिए 2 चम्मच चॉकलेट गनाश क्रीम के साथ मिला के मैं पहले यूज़ कर रही हूँ। एक प्रोसेस है, ऐसे भी यूज़ करके आप चॉकलेट केक बना सकते हैं।
दूसरा ये चॉकलेट गनाश को थोड़ा सा मेल करके यूज़ कर रही हूँ मैं। तीसरा ये देखिए पूरा चॉकलेट गनाश ठंडा करके यूज़ कर रही हूँ, पूरा डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से इसको शाइन भी दे रहा है और कितना अच्छे से डिज़ाइन भी हो रहा है। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।